हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल दर्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म देखा था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज एक रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस पे डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस एक फेनोमेना है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, अलग अलग है। Capacitor is a device which makes use of capacitance phenomena. Capacitance एक phenomena है by which the two parallel plates hold charge. दो parallel plate charge hold करता है, और कितना hold करेगा, दो parallel plate के across कोई battery connect करते हैं तो कितना charge दो parallel plate hold करेगा, ये depend करता है on a quantity which we call capacitance. अगर दो पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, उसके क्रॉस आप बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी उस दोनों कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज डिपॉजिट करेगा, कितना उसको चार्ज करेगा, ये डिपेंड करता है ऑन ए क्वांटिटी व्हिच वी कॉल कैपेसिटेंस। वही क्वांटिटी आज हम लोग को निकालना है कि दो पैरेलल प्लेट के क्रॉस जब बैटरी लगा रहे हैं तो कितना चार्ज उस पर डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज दो पैरेलल प्लेट होल्ड करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स। एक तो ऑफकोर्स बैटरी है, हाई वोल्टेज का, हाई पोटेंशियल डिफरेंस का, ईएमएफ का बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन गिवन ए बैटरी, मान लो दो पैरेलल प्लेट के 10 सेट है और सेम बैटरी हम लोग लगाते हैं, तो कौन सा पैरेलल प्लेट का सेट कितना कैपेसिटर, कितना चार्ज होल्ड करेगा, ये अपार्ट फ्रॉम द ईएमएफ ऑफ द बैटरी व्हिच ऑफ कोर्स इज अ फैक्टर, उसके अलावा और कौन सा चीज है जो डिसाइड करता है कि एक बैटरी कितना चार्ज दो पैरेलल प्लेट पे स्टोर करेगा, वही उस चीज को हम लोग कैपेसिटर्स बोलते हैं। वही हम लोग को आज फाइंड आउट करना है। ओके, तो जितने भी लोग आईआईटी जैम का, जेस्ट का, सीएसआर नेट, गेट, टीएफआर का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन वो लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिजिक्स में, वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के सारे टॉपिक लगभग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो टुडे लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, कैपेसिटेंस। ठीक है, सपोज करो कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस इज ए टर्म, इज ए फैक्टर, इज ए क्वांटिटी विच डिसाइड्स कि दो पैरेलल प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर होगा। हाउ मच चार्ज ए बैटरी इज गोइंग टू स्टोर ऑन ए टू पैरेलल प्लेट इज डिसाइडेड बाय ए टर्म कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, और दो पैरेलल प्लेट को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस डिसाइड्स कि हाउ मच चार्ज ए बैटरी कैन डिपोजिट ऑन टू पैरेलल प्लेट्स। तो दो पैरेलल प्लेट ले लेते हैं हम लोग पहले। Let's take two parallel plates. एक ये प्लेट ले लिया हमने और एक ये प्लेट ले लिया। We've taken two parallel plates. मान लो एरिया इज ए, ए इज द एरिया, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, D is the distance between plate. अब देखो, अगर इसको तुम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, अब ये क्या करेगा, ये देखो, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर प्लेट से चार्ज एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बैटरी क्या करेगा, ये इस कैपेसिटर प्लेट से चार्ज को एक्सट्रैक्ट करेगा और इस पे जाके डिपॉजिट करेगा। करंट ड्राइव करता है ना, करंट ड्राइव कैसे करेगा, द करंट ड्रिवन बाय, द करंट ड्रिवन बाय दिस बैटरी विल, स्विच क्लोज करोगे तो करंट ड्रिवन बाय दिस बैटरी विल कंसिस्ट ऑफ द चार्ज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस साइड एंड डिपॉजिटेड ऑन दिस साइड। मान लो एक क्यू चार्ज यहां से एक्सट्रैक्ट करता है और क्यू चार्ज यहां डिपॉजिट करता है, इट इज जस्ट लाइक गिविंग इट माइनस क्यू चार्ज एंड गिविंग प्लस क्यू चार्ज। अगर Q चार्ज यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव टर्न कर जाएगा प्लेट। सो एक्सट्रैक्टिंग Q चार्ज इज जस्ट लाइक गिविंग इट माइनस Q चार्ज।
एंड हियर वो बैटरी जो है उसकी चार्ज को डिपॉजिट करेगा. सो इफ यू गिव क्यू चार्ज टू दिस प्लेट एंड सॉरी माइनस क्यू टू दिस प्लेट एंड क्यू टू दिस प्लेट, अगर इसको माइनस क्यू देंगे इसको क्यू देंगे तो किस तरह से ये चारों सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. हम लोग ये गॉस लॉ में किए हैं, ठीक है. गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि अगर दो पैरेलल प्लेट है या टू पैरेलल प्लेट्स एंड इफ आई गिव q1 हियर एंड q2 हियर देन चार्ज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द सरफेसेस आर गिवन बाय दिस माइनस ऑफ दिस. तो अगर मान लो ये q2 को माइनस q करते हैं आप q को प्लस q करते हैं, अलग ही डिस्कस किया था हमने, चलो तो ये क्या हो जाएगा q माइनस q, ये जीरो हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ये माइनस q हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि अगर दो पैरेलल प्लेट को आप एक को q और एक को माइनस q देंगे तो उस केस में ये चार्ज जो है पूरा का पूरा जो है फेसिंग सरफेस पर लाई करेगा. दिस चार्ज गोइंग टू लाई ऑन द फेसिंग सरफेस, यहाँ q आ जाएगा माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है. ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द फैक्ट दैट ई जीरो इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, ये दोनों मिलके ये डिसाइड. इसका पूरा एक डिस्कशन है, आप देखना वो वीडियो टू पैरेलल प्लेट्स पे, चार्ज ऑन टू पैरेलल प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स करके वीडियो होगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है. ऐसे अगेन आई रिक्वेस्ट यू, यू डू इट सीक्वेंसली, पहले के सारे वीडियो देखिए उसके बाद ऐसे चलिए, एकदम से कोई वीडियो उठा के देखेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा. तो ये ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस कर रखा कि ऐसे होता है, ठीक. ओके, इसको मिटा देते हैं. तो अगर बैटरी आप लगाएंगे तो बैटरी क्या करेगा, वो नेगेटिव टर्मिनल साइड से चार्ज क्यू एक्सट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल साइड वाला जो प्लेट है उस पर डिपॉजिट करेगा, ठीक है, उस पर यह डिपॉजिट कर पाएगा. ओके, अब एक काम करते हैं, ये काम बैटरी कब तक करता रहेगा, ये काम बैटरी कब तक करता रहेगा बताओ, जब तक कि कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर ना हो जाए. जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट E के बराबर ना हो जाए, तो पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्यूबाई एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्यूबाई एरिया. तो बताओ यहाँ पे सरफेस नंबर टू, वन और फोर पे तो चार्ज है ही नहीं, तो उसका तो कोई फील्ड होगा नहीं. सरफेस नंबर टू की वजह से फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पे फील्ड क्या होगा, ये भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो एट एनी पॉइंट टी इन द गैप, जो गैप है, गैप में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस की वजह से हो गया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन इस सरफेस का, दोनों का डायरेक्शन सेम है. यहाँ पॉजिटिव प्लेट है तो डाइवर्ज कर रहा है और नेगेटिव प्लेट पे कन्वर्ज कर रहा है, बट पॉइंट पी पे डायरेक्शन देखेंगे तो ये टू नंबर सरफेस और थ्री नंबर सरफेस की वजह से जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गोइंग टू बी सिंपली सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक. अगर इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मानते हैं तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ठीक. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स वी क्या होगा, V is going to be E dot dr. ये expression derive किया हम लोग दो प्लेट के बीच में potential difference क्या होता है, वन टू तो चलो mislead हो जाओगे आप, टू थ्री प्लेट है ना, from plate number टू surface number टू to surface number थ्री, ठीक है, surface number टू to surface number थ्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sigma by epsilon naught i cap dot dr, ठीक है. And i cap dot dr क्या होगा, i cap dot dr is dx,
अब मान लो ये x इक्वल टू 0 पे पहला प्लेट है और x इक्वल टू d पे दूसरा प्लेट है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, ओके, सो वी हैव गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लिख देते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स v इक्वल्स टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू डी बाई। अब ये कब तक चार्ज करता रहेगा, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर ना हो जाए, ये तब तक बैटरी चार्ज करता रहेगा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर ना हो जाए। कब तक करंट कब तक ड्राइव करता है, देखो जो दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही ईएमएफ का सोर्स है, ये आपका बैटरी भी और ये कैपेसिटर भी, तो जब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से कम होगा तब तक ये बैटरी करंट ड्राइव करता रहेगा, तब तक कैपेसिटर को चार्ज करता रहेगा। द मोमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम इक्वल टू ईएमएफ, ये इक्वली स्ट्रांग वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, फिर वो करंट नहीं ड्राइव कर पाएगा। देखो सर्किट के अंदर दो तीन वोल्टेज सोर्स होते हैं, जो स्ट्रांगर होता है करंट को ड्राइव करता है, ठीक है, जो मतलब अगर सेम डायरेक्शन में वोल्टेज है फिर तो दोनों मिलकर ड्राइव करेंगे, लेकिन यहाँ तो सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, ये आपका ये ऐसे है और इसका अगर वोल्टेज सोर्स की तो इसको देखें हम लोग तो ये इस टाइप का है ई डैश, है ना, तो जब तक कि वी लिख दो इसको ई डैश मत लिखो, तो जब तक ये कमजोर रहेगा तब तक ये करंट ड्राइव करता रहेगा इसमें, जब तक ये में जो बैटरी है कैपेसिटर एज ए वोल्टेज सोर्स से स्ट्रांगर रहेगा तब तक करंट ड्राइव करता रहेगा। The moment this V becomes equal to E, the battery will not drive current, but battery will not be able to drive current in fact, ठीक है, तो ये कब तक करंट ड्राइव करेगा, जब तक V E के बराबर ना हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर हो जाएगा तो कैपेसिटर प्लेट पर चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, अब देखिए ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, एक बैटरी दो पैरेलल प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, एक बैटरी दो पैरेलल प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम ईएमएफ ऑफ कोर्स, ईएमएफ ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, बट गिवेन ए बैटरी, गिवेन ए बैटरी, ठीक है, अगर मान लो ऐसा ऐसा 10 पैरेलल प्लेट्स हो, 10 पैरेलल प्लेट का सेट हो, तो किस पे कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा बैटरी वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आप देखिए एक्सप्रेशन देखेंगे क्लियर दिख जाएगा आपको, दिस बैटरी इज गोइंग टू स्टोर हाउ मच चार्ज विल डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर, इट विल डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, जिस पैरेलल प्लेट का ये फैक्टर अधिक होगा उस पे ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जिस पैरेलल प्लेट के लिए ये फैक्टर कम होगा उस पे कम चार्ज स्टोर करेगा, तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर Which tells you कि एक बैटरी कितना चार्ज पैरेलल प्लेट पर स्टोर करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, इट इज ए टर्म विच डिसाइड्स कि हाउ मच चार्ज बैटरी कैन पुट ऑन द प्लेट्स, और इस पूरे डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, वी कॉल दिस होल डिवाइस एज कैपेसिटर, इसका हम लोग जगह जगह पर यूज करते हैं, जहां पे एकदम से अचानक से ज्यादा वोल्ट पावर का जरूरत पड़ जाता है, क्या है कैपेसिटर, क्या है कैपेसिटर, एक तरह से एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, हम लोग आगे चल के एनर्जी भी पढ़ेंगे, हम लोग आगे चल के एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, देखो 10+2 में कैपेसिटर को एक चैप्टर बना के पढ़ाते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर का क्लासिफिकेशन है वो फेनोमेना बेस्ड है, पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़े जिसमें हम लोगों ने रिकैप किया 10+2 में जो पढ़े थे उसको रिकैप किया, प्लस कुछ टॉपिक अलग भी थे जो 10+2 में नहीं पढ़ते, जैसे मल्टीपोल एक्सपेंशन जो कि मास्टर्स में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ चार्ज किस तरह से स्टोर होता है कैपेसिटर पे ये कौन डिसाइड करता है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द फैक्ट दैट ई इज यू इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, ये डिसाइड करता है, सो इट्स अ टाइम टू डिस्कस दिस पार्ट ऑल्सो, लेकिन अब इसमें एनर्जी का एस्पेक्ट जो आएगा वो हम लोग एक अलग चैप्टर हम लोग का है वर्क एंड एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां देखेंगे, अभी हम लोग एनर्जी वाला एस्पेक्ट कहीं डिस्कस ही नहीं किए हैं,
तो बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है, अलग ही पूरा एनर्जी पे हम लोग बहुत लेंदी डिस्कशन करेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे, तो वहाँ कैपेसिटर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बाद में देखेंगे कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो जहाँ पे अचानक से कहीं ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है ना, लोग कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन है तुम्हारा, फैन तुम्हारा क्या है, इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए उसका एक प्रॉब्लम यह है कि उसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, शुरू में स्टार्ट करने के लिए उसको जो टॉर्क है वो हाई चाहिए होता है, तो स्टार्टिंग में उसको एनर्जी अधिक चाहिए होता है, तो उसमें एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। उसका रोल सिर्फ स्टार्ट करने में, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। वेर एवर यू नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल ऑफ सडन, एक कुछ समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वहाँ हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे फ्लैश है कैमरा का, कैमरा का फ्लैश है, कैमरा का फ्लैश देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऑन होता है, लेकिन उसमें उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो उसका बैटरी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, उसमें कैपेसिटर का रोल होता है, उस समय कैपेसिटर का रोल होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर जहाँ जहाँ आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और भी रोल है, मतलब कैपेसिटर तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ना, कैपेसिटर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो क्या है, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर, यही सब तो डिवाइस होता है, बाकी ट्रांजिस्टर एंड मॉस्फेट्स, ठीक है। तो कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो कितना चार्ज स्टोर होगा, एक बैटरी कितना चार्ज स्टोर करेगा दो पैरेलल प्लेट पे, वो इस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट, जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, इज गिवन बाय दिस। तो एक बैटरी कितना चार्ज स्टोर करेगा वो इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, द चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर व्हेन यू कनेक्ट इट टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज गोइंग टू बी सी इनटू ई, ठीक है। सो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across two parallel plate is V, then charge stored Q is going to be C into V, right? ये बेसिक फार्मूला है कैपेसिटर का, वेयर सी इज कैपेसिटेंस ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द गैप विड्थ, जो डिस्टेंस जो दो कैपेसिटर प्लेट के बीच का गैप विड्थ है वो है डी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द कैपेसिटेंस। तो ये तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात किया ना, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं, कॉल इट कैपेसिटर। तो यहां पे जो हमने केस लिया है, वी हैड टू पैरेलल प्लेट्स, प्लेनर प्लेट था, ठीक। अच्छा कैपेसिटर और भी तरीके का होता है, यू कैन हैव टू स्फेरिकल प्लेट आल्सो, उसका ये एक्सप्रेशन लगे अलग हो जाएगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग, लेट्स डिस्कस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, लेट्स डिस्कस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, सपोज करो ये रेडियस आर वन है और ये रेडियस आर टू है। अब मान लो कि इसके क्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, अब ये बैटरी क्या करेगा,
ये बैटरी यहां से चार्ज एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां जाके डिपॉजिट करेगा, यहां से चार्ज एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां जाके डिपॉजिट करेगा, ठीक है। दैट इज जस्ट लाइक गिविंग इट माइनस क्यू, आई गिव इन दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर प्लेट पे, अगर ये स्फेरिकल प्लेट है, स्फेयर है, इस पे आप क्यू देते हैं, इस पे माइनस क्यू देते हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को? जैसे अंदर वाला स्फेयर को मान लो, हम लोग ऐसे थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल को हम लोग आपको बताए थे कि एवरी कंडक्टिंग प्लेट कैन बी सीन एज टू कंडक्टिंग, टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, एवरी कंडक्टिंग प्लेट कैन बी सीन एज टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ये आप याद करो, हम लोगों ने डिस्कस किया था, एवरी कंडक्टिंग प्लेट इज बिहेविंग लाइक टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अब क्या कर रहे हो तुम, अब आप इसको क्यू दे रहे हो और इसको क्या दे रहे हो, माइनस क्यू दे रहे हो। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे ये चार सर्फेस हो गया ना, वन टू थ्री फोर, वन पे होगा, टू पे होगा, वन पे नहीं हो सकता। वन पे इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मान लो कोई गॉसियन सर्फेस, ये पहले भी डिस्कस किए हम लोग, मान लो कोई गॉसियन सर्फेस लेते हैं, अब हर जगह ई जीरो है बल्क ऑफ कंडक्टर में, तो फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा तो चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, चार्ज इनक्लोज जीरो मतलब यहाँ पे जीरो चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फिर से गॉस लॉ लगा लेंगे, ये गॉसियन सरफेस लेंगे, हर पॉइंट पे ई जीरो है, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज आ गया, क्यू चार्ज, और यहां पे माइनस, यहां पे माइनस क्यू आ गया, ठीक, ओके, फाइन। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें एक बार, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी कब तक चार्ज करता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर ना हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, गॉसियन सरफेस मान लो बीच में ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस ले लिया हमने, ये आर, ओहो, ये आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, आर रेडियस का फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, इससे तो आपको पता ही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इजिली हम लोग प्रोसेसराइज करते हैं। एन कैप और ई रेडियल डायरेक्शन में होगा, ई डॉट एन ई हो जाएगा, एंड ई इज फंक्शन ऑफ आर, एंड आर इज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग गॉस लॉ वाले सारे लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, इसलिए आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट। एंड चार्ज इनक्लोजेस, चार्ज इनक्लोजेस, चार्ज इनक्लोजेस क्यू ऑन। तो आपका गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप इज गोइंग टू बी सिंपली दिस, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर फ्रॉम इनर प्लेट टू आउटर प्लेट। अब ई क्या आ रहा है, इट इज क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई आर डॉट डी आर फ्रॉम आर वन टू आर टू, सो दिस इज गोइंग टू बी So this is simply ये आ जाएगा, राइट, दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ऊपर लिख देते हैं इसको, सो वी गॉट द पोटेंशियल डिफरेंस एज potential difference between two plates is q upon
So charge on the parallel plate is going to be simply into V. तो अब एक बैटरी कितना चार्ज इस पे स्टोर, अच्छा कब तक स्टोर करता रहेगा, कब तक ये चार्जिंग करता रहेगा, जब तक कि ये V जो है E के बराबर ना हो जाए. सो द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय ए बैटरी ऑफ EMF E, ये कब तक चार्ज स्टोर करता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर ना हो जाए. चार्जिंग करता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना आपका, Q बढ़ता रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, ये इसके बराबर होता है. तो एक बैटरी कितना चार्ज स्टोर करेगा स्फेरिकल प्लेट पे, दो स्फेरिकल प्लेट पे, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम EMF इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर, इस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. ये हो जाएगा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी. सो इन केस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गोइंग टू बी द कैपेसिटेंस फॉर द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, फॉर द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, राइट, वी डिनोटेड बाय सी. सो चार्ज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू स्फेरिकल प्लेट इज वी, then the charge stored will be equal to CV, where C is this. ये आपका spherical plate capacitor. This is spherical plate capacitor. समझ में आ रहा है जी ये पूरा? तो याद रखिए सर, spherical plate capacitor का ये capacitor, parallel plate का epsilon naught A by D है, spherical plate का ये है, ठीक है. Next करते हैं, इस वाला cylindrical plate capacitor किया जाए, और उस पूरे device को capacitor बोलेंगे, दो spherical plate जो था, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स टेक अनदर केस, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, एक सिलिंड्रिकल प्लेट ये ले लिया हमने, ठीक, और दूसरा ये, हाथ से बनाते हैं ना टाइम, हाथ से बनाओ. देखो ये आपका ऐसे आ जाएगा, और दूसरा ये दो सिलिंड्रिकल प्लेट हो गया, दिस इज टू सिलिंड्रिकल प्लेट. अब इसके अक्रॉस हम लोग एक बैटरी लगा दिया, ठीक है. अब ये क्या करेगा, यहां से चार्ज स्टैक करेगा, यहां जाकर डिपॉजिट करेगा. सपोज Q इज द चार्ज स्टोर्ड ओवर हियर इनर सिलेंडर पे, एंड माइनस Q इज द चार्ज स्टोर्ड ओवर हियर, ठीक है. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, इफ एल इज द लेंथ, लैम्डा इज क्यू बाय एल, लैम्डा इज क्यू बाय एल, ठीक है, ओके. अब अगेन वही पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, अब देखा जाए कि एक बैटरी कितना चार्ज स्टोर किया, वो किस फैक्टर पे डिपेंड, वो फैक्टर अराइव करना है हम लोगों को, ठीक है. ये EMF E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो उसके पहले फील्ड निकालना पड़ेगा. फील्ड निकालने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस लेंगे, इस टाइप से गॉसियन सरफेस ले लिया हमने. इसमें तीन सरफेस है, S1, S2, S3. अब देखिए,
आपका एन कैप यहां पे ये हो गया, एन कैप यहां पे ये हो गया, यहां पे रेडियल हो जाएगा। अब फील्ड क्या है, फील्ड इज दिस, एस वन एस टू पे फील्ड जो है ई डॉट एन इज गोइंग टू बी जीरो, और एस थ्री पे ई डॉट एन इज गोइंग टू बी ई। फ्लक्स निकाल लो एक बार, दिस इज एस वन, तो S1 S2 पे तो E डॉट n जीरो हो गया, यहां पे भी जीरो हो गया, और यहां पे E के बराबर हो गया। E और n कैप सेम डायरेक्शन में लाई कर गया ना, E और n सेम डायरेक्शन में लाई कर गया, तो ये जीरो हो गया और ये हो जाएगा E डी S। ठीक है, अब E इज इसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, इसका मतलब E जो है सिर्फ R का फंक्शन होगा, और R का सारा वैल्यू S3 पे सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी सेम ईच एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आप पहले के लेक्चर्स पढ़े होंगे गॉस लॉ के, ठीक है, वो सब में हम लोग काफी डिटेल में ये सब डिस्कस किए हैं। ये क्या हो जाएगा, मान लो एच इसका हाइट है, तो ये हो जाएगा टू पाई आर एच, ये मान लो आर दूरी पे है, ठीक है। और चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज इज गोइंग टू बी लैम्डा इंटू एच, राइट, लैम्डा इंटू एच, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप गॉस लॉ यूज कर लो, गॉस लॉ यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई इज सो दिस इज ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप इज गोइंग टू बी दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप इज गोइंग टू बी, ठीक। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर, आर वन टू आर टू, ये क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई आर कैप डॉट डी आर, ई आर एंड डी आर लाइन सेम डायरेक्शन, यू हैव आर वन टू आर टू, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, लॉग आर, और लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा लॉग आर टू आर वन, ठीक है। फास्ट है क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स तो सिंपल ही है सारा, कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं। सो लैम्डा इज व्हाट, क्यू बाय एल, ठीक है, इक्वल्स टू वी। तो ये बैटरी कब तक चार्ज स्टोर करता रहेगा, जब तक ये वी जो है ई के बराबर ना हो जाए, उस केस में चार्ज स्टोर होगा कितना, क्यू इज गोइंग टू बी सिंपली This. तो एक बैटरी कितना चार्ज कैपेसिटर प्लेट पर स्टोर करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस फैक्टर पर, इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, और इस फैक्टर को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, इस फैक्टर को हम लोग कैपेसिटेंस बोले। सो कैपेसिटेंस फॉर ए सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर इज गोइंग टू बी सिंपली, सब याद कर लेना भाई, ठीक है, मतलब ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो चार्ज स्टोर विल क्यू इक्वल टू सी इनटू वी, वेयर सी इज गोइंग टू बी दिस, वेयर सी इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर, इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एक फेनोमेना है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस एक फिनोमेना है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, यही तीन टाइप का मेन कैपेसिटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस का जो पैरेलल
यार इसका यूनिट जो है फैराड है, यूनिट फैराड, ठीक है, यूनिट फैराड है। और इसमें एक चीज और थोड़ा सा बता ही देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज करेंगे। यू हैव टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका जो नोटेशन है सिंबल, दिस सिंबल, ये सिंबल है, और ये सिंबल हर के लिए, मतलब पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल प्लेट हो, सिलिंड्रिकल प्लेट हो, हर के लिए ऐसे ही सिंबल है, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट की तरह दिख रहा है, बट दिस सिंबल इज यूज फॉर एवरी काइंड ऑफ कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के लिए यह सिंबल यूज होता है, ठीक है। निकाले सी एंड क्यू इज सी इनटू, ठीक है। अब ये कैपेसिटर जो सर्किट में हम लगाते हैं तो दो तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, सीरीज एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे आपका अगर ऐसे लगेगा तो हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन, दिस इज ऑल, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर इस टाइप का लगेगा इस टाइप से लगता है, आरसी सर्किट पढ़ेंगे हम लोग बाद में, तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 10, 1000, 1,00,000, कितना भी हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मान लो इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज है, तो चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, ये तो पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो अगेन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी है, चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ फिर क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है देन चार्ज ऑन ईच ऑफ देम विल बी सेम, चार्ज ऑन ईच ऑफ देम विल बी सेम, बट यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। यू कैन हैव हियर Q1, हियर यू कैन हैव Q2, हियर यू कैन हैव Q3, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके क्रॉस सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो पॉइंट पे डिपेंड करता है, दो पॉइंट, ये यहाँ पे जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा। इट मीन्स ओवर हियर योर Q1/C1 विल बी इक्वल टू Q2/C2 विल बी इक्वल टू Q3/C3, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेम है, क्यू सेम है, क्यू हर जगह सेम। तो अगर इसको कोई कहे कि हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहें, अगर इसको कहें कि हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहें तो चार्ज क्या होगा, चार्ज तो क्यों ही हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास मान लो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाओगे वो तो इनके बीच में लगाओगे ना, इसको रिप्लेस करके इसको प्लेस करोगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा तुम्हारा, That will equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. समझ लो, A और B के बीच में ये चारों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाने का कोशिश करें, वह सिंगल कैपेसिटर इक्वल इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 plus V2 plus V3 plus V4, है ना, चार्ज तो वही है सब पे, तो चार्ज तो क्यों लिख दोगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इन जनरल लिख देता है VN, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, this will be equal to v, क्या q equal to cv होता है, तो v is q by c1 q by c2 and q by cn। अब मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये CEQ है, ठीक है, तो I'll write as, ठीक। तो यहां से हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि when you have a
कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इन दैट केस द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स विल बी गिवन बाय whether you can replace these capacitors with this capacitor, Ceq, where Ceq is given by this. अब पूरा ये पैरेलल सीरीज में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको सिंगल कैपेसिटर रिप्लेस कर सकते हो, और वो सिंगल कैपेसिटर क्या होगा, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूलेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यहां पे हम लोग रिप्लेस करना चाहें, मान लो ये ए है और ये बी है, तो यहां पे अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें एक सिंगल कैपेसिटर से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही रहेगा जो इनके अक्रॉस है, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो इनके अक्रॉस है, लेकिन इस पे चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी व्हाट, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू, सबको क्लब करके यहां पुट करोगे ना आप, ठीक है, सबको क्लब करके ही पुट करोगे तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि चार्ज विल बी, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्यू एन, राइट, और ये क्यू क्या हो जाएगा, दिस इज सी इक्विवेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस जो ए बी तो पॉइंट फिक्स है, ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस, देन क्यू विल बी इक्वल टू सी ई क्यू इंटू वी, आइए क्या हो जाएगा सी वन वी सी टू वी, यहां से क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय सिंपली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बात करें इट इज सिंपली दिस, जो रजिस्टर में फार्मूला आता है ना उसका उल्टा है, मतलब रजिस्टर के केस में सीरीज में होता है तो आर इक्विवेलेंट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर एन, और पैरेलल में हो जाता है वन बाय आर इक्विवेलेंट इज वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर एन, ऐसा हो जाता है, ठीक है, यहां पे उल्टा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ओके, ठीक है, तो ये सब फार्मूला याद रखना, इसका न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का, ये तब तक आप इसको याद कर लीजिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, और ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला याद रखिए, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर वॉचिंग टीवी विद द फिजिक्स चैनल, जो भी आईआईटी जैम जस्ट टीआईएफआर और ग्रेजुएशन में है या फिजिक्स पढ़ना चाहते हो सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो अबाउट दिस चैनल, ओके, थैंक यू वेरी मच।